नमस्कार बच्चों, कक्षा दो के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के 8 अध्याय पूरे कर लिए। आज हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे, डर भागा। बच्चों, कुछ बच्चे आप ही के जैसे छोटी उम्र में डर अंधेरे से डरते हैं। अंधेरे में उन्हें लगता है किसी की परछाई दिख रही होगी, या कोई परछाई अचानक आके उन्हें पकड़ लेगी, या बच्चों को अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है। इसी तरह हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनका बचपन का नाम मोहन था और उनके पिताजी का नाम करमचंद, इसलिए उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम इस प्रकार उनका पड़ा। पूरे देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी आप ही की तरह बचपन में अंधेरे से बहुत डरते थे। एक बार उनकी नौकरानी उन्हें देख रही थी। उनको अंधेरे में इतना डर लग रहा था कि रात्रि के समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए वे अपना पैर भी नहीं हिला पा रहे थे। बार बार हिम्मत जुटाते, बार बार डर के कारण वे रुक जाते। काफ़ी देर बाद में जब उनसे उनकी नौकरानी ने पूछा कि क्या हुआ मोहन, क्यों डर रहे हो, क्यों कांप रहे हो, उन्होंने कहा, मुझे दूसरे कमरे में जाना है अम्मा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो डर किस चीज़ का डर? मुझे लग रहा है जैसे कि कोई भूत अंधेरे से निकलेगा और मुझे पकड़ देगा। अम्मा ने उसे समझाया कि बेटा, जब भूत होता ही नहीं तो तुम्हें पकड़ेगा कैसे, और जब भी तुम्हें डर लगे तुम ईश्वर को याद करो। ईश्वर को याद करने से डर, मन का डर निकल जाता है। काफ़ी समझाने के बाद नौकरानी के जब मोहन ने मन में हिम्मत करी और जल्दी जल्दी ईश्वर का नाम लेते हुए उस कमरे में प्रवेश किया, देखा तो ना तो कोई डर था वहाँ, ना कोई भूत और ना ही किसी परछाई ने उन्हें पकड़ा। अब मोहन को पता चल गया कि ईश्वर का नाम लेने से मन में को शक्ति मिलती है और डर दूर भाग जाता है। इस प्रकार मोहन ने भी अपना डर भगाया। जब भी बच्चों आपको डर लगे किसी चीज़ से, तो आप ईश्वर का स्मरण करें, और सच्चे बच्चों को कभी किसी से डरना ही नहीं चाहिए। इस अध्याय से जिस प्रकार मोहन को भी एक बड़ी सीख मिल गई, उसने जान लिया कि ईश्वर को याद करने से डर नहीं लगता है, उस दिन के बाद से मोहन कभी नहीं डरे। उसी प्रकार मैं चाहती हूँ कि आप भी इस अध्याय से ये सीख लें कि डर कुछ नहीं होता है, और भूत और प्रेत वैसे तो होते ही नहीं हैं, और जो अच्छे और सच्चे बच्चे होते हैं उन्हें उनसे डर और भय का कोई कारण होता ही नहीं। अच्छे और सच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई नहीं डराता। आया समझ में बच्चों? इस अध्याय से हमने क्या सीखा? आप इसी अध्याय को एक बार पुनः पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर करवाऊँगी। धन्यवाद बच्चों।